दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसीज को लेकर के, जो दिल्ली नगर निगम से आप सभी बहुत दिनों से आस लगा करके बैठे हैं कि दिल्ली नगर निगम से सैनिटरी इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट के लिए। तो दोस्तों उसी के बारे में आज मैं जो है इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। और जानकारी यह है जो बच्चे पूछते रहते हैं कि सर सैनिटरी इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट कब तक आएगा कब तक आएगा। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द जो है आपके 2021 में तो जो है आने की संभावना पूरी पूरी है, लेकिन मुझे अंदर डिपार्टमेंटली बात पता चली है कि जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं पहले से जो है, जैसे कि फील्ड वर्कर हो गए, DBC वर्कर हो गए, ठीक है, या मलेरिया ब्लेंडर हो गए, ये जो है तो इन्होंने सभी ने जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया हुआ है। और सैनिटरी इंस्पेक्टर का इन्होंने कोर्स कर रखा है, ये भी जो है मतलब नई भर्ती का तो इनको वेट तो है सही, लेकिन काफ़ी कम है इनको नई भर्ती का वेट। और ये जो है अंदर के अंदर ही एक प्रोसेस चलती है डिपार्टमेंट की, मैं आपको बता देता हूँ। वो प्रोसेस है प्रमोशन की, ठीक है, प्रमोशन की। आपको पता होगा जैसा कि 50% जो है आपके डायरेक्ट रिक्वायरमेंट निकालनी होती है गवर्नमेंट को, और 50% जो है प्रमोशन से भरनी होती है। तो मुझे ऊपर के अधिकारियों से पता चला है कि आपके जो रिक्वायरमेंट आने वाला था तो वो चांस कम ही लग रहे हैं मुझे भी, जैसे ही मुझे अंदर की डिपार्टमेंटली बात पता चली, क्योंकि जो 50% पोस्टें जो है इस बार दिल्ली में प्रमोशन से भरने की तेज रफ्तार से प्रोसेस चल रही है, जिसमें आपको मैं बता दूं जो सैनिटरी सुपरवाइज़र है, ठीक है, जो जिनको अपन दरोगा बोलते हैं, जमादार बोलते हैं, तो उनके प्रमोशन कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, जो मलेरिया ब्लेंडर का जिन्होंने कोर्स कर रखा है, ठीक है, तो उनको असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। जो फील्ड वर्कर पर काम कर रहे हैं उनको भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का या असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का चार्ज दे दिया जाएगा। तो अभी ये प्रोसेस जो है मतलब चली हुई है, और मुझे नहीं लगता अगर ये प्रोसेस इन्होंने कंप्लीट कर ली तो 2021 में आपके जो है मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर का जो है रिक्वायरमेंट आएगा। क्योंकि दोस्तों 50% सीटें ये ऐसे ही प्रमोशन से भर लेंगे तो फिर न्यू रिक्वायरमेंट क्यों निकालेंगे, जब इनको सैनिटरी इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, हेल्थ इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, मलेरिया इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, और ये इन पे प्रमोशन दे देते हैं तो फिर सीट निकालने की तो कोई खास वजह नहीं रह जाती गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उनका काम चल जाएगा। दूसरी चीज़, जो नीचे की पोस्ट जो खाली होगी इस पर यह जो है कॉन्ट्रैक्ट से भर्ती करते रहते हैं, और इनको जो है नीचे के कर्मचारियों की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं होती, कहाँ जो परमानेंट जो है वैकेंसी निकालना ही ज़रूरी है। तो मतलब दिल्ली में भी ये लगभग लगभग होने ही वाला है। अब इन सब का जिम्मेदार कौन है दोस्तों, आप खुद सोचिएगा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने आपके हक की आवाज़ नहीं उठाई है। और मैंने बहुत सी बार बोला है, जब तक आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे, अपने हक के लिए जो है आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक आपके लिए जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, हेल्थ इंस्पेक्टर का, मलेरिया इंस्पेक्टर का वैकेंसी दिल्ली की ही बात नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं आने वाला है। हर जगह यही जो है प्रोसेस अपना रही है गवर्नमेंट इस बार। और आपको मैं बता दूं, अभी राजस्थान के अंदर भी जो है दरोगा जो है, सैनिटरी जमादार जो है, और सफाई कर्मचारी जो है, उनको भी प्रमोशन दिए गए हैं। और कम से कम आपको मैं बता दूं, 100 से भी ज़्यादा सफाई दरोगा, सफाई जमादार को प्रमोशन दिए गए राजस्थान के अंदर भी। तो यही कारण है राजस्थान में भी जो है राजस्थान सरकार सैनिटरी इंस्पेक्टर की नई भर्ती नहीं निकाल रही है, क्योंकि उन्होंने जो पद खाली चल रहे थे वो प्रमोशन से भर लिए हैं, और पद तो अभी भी खाली है लेकिन नहीं निकालेगी, क्योंकि उनकी पूर्ति हो चुकी है, उनसे उनका काम चल जाएगा। तो नन्ना करते करते भी आप मान के चलिए 2 से 3 साल तक उनको वैकेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो स्टेट की बात मैंने आपको बताई है, और आपको मैं बता दूं हर जगह यही हाल है। MP की भी एक न्यूज़ आई थी पेपर में, जिसमें आपने देखा भी होगा, जो अप्रशिक्षित है, जिन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर की कोई नॉलेज नहीं है, जिनके पास कोई कोर्स की योग्यता नहीं है, ठीक है, उनको सैनिटरी इंस्पेक्टर का चार्ज दे रखा है, जैसे LDC क्लर्क हो गए, ठीक है, JN हो गए, सफाई कर्मचारी होगा जिसके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा नहीं है,
आपने पढ़ा होगा जो एमपी भोपाल से जो बिलोंग करते होंगे, ग्वालियर से हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से जो प्रॉपर बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने तो पढ़ा ही होगा। अगर वो मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो उनको तो अच्छे से पता होगी ये चीज़। कम से कम 100 कर्मचारी ऐसे थे जिनको सफाई निरीक्षक मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर का चार्ज दे रखा था, और उनके पास जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी योग्यता नहीं थी। तो दोस्तों, इससे एक तो गवर्नमेंट को भी नुकसान यह है, एक तो उनको जो है योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, और हर स्टेट का हर डिस्ट्रिक्ट जो है स्वच्छता में जो है पिछड़ रहा है। तो यही कारण है गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और नए बच्चों के लिए जो है न्यू रिक्वायरमेंट निकालनी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट नहीं निकाल दी तो आप भी खामोश बैठे हो, आप भी अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तो ये सिलसिला जो है ऐसे ही चलता रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया आपके जो है क्वांटिटी काफ़ी कम है बच्चों की, तो अगर आप इसके ऊपर जो है मतलब एक्शन नहीं लेंगे ना, तो धीरे धीरे आप ये मान के चलिए ये पोस्टें ख़त्म है, हर जगह से ख़त्म है, और न्यू रिक्वायरमेंट आने का बहुत ही कम चांस है। थोड़ी बहुत मैंने की थी कोशिश, लेकिन कुछ बच्चे जो है मेरे ऊपर ही जो है आरोप लगाने लगे, तो फिर मैंने भी ध्यान देना छोड़ दिया इन चीज़ों के ऊपर। तो जो कुछ करना है आप लोगों को ही करना है, बस है यह है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी जो भी प्रोसेस करनी है आप या कोर्ट की शरण लीजिए या आप नेताओं की शरण लीजिए, किसी की भी शरण लीजिए, लेकिन जो कुछ करना है आप लोगों को ही करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए जो है मतलब पर्सनली आ करके या पर्सनली मतलब इसमें आपके साथ जैसे कि कोर्ट की प्रोसेस अपनाना वह मैं नहीं करूँगा अब, क्योंकि मैंने बहुत पहले करने की कोशिश की थी तो दो चार बच्चों ने आरोप भी लगाए थे मेरे ऊपर, इस वजह से इस बार मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। स्टार्ट आप लोगों को करना है, अगर मेरा कोई सहयोग रहेगा, अगर पैसों से लेकर भी कोई सहयोग रहेगा तो पैसों का मैं सहयोग कर दूंगा, लेकिन जो है आगे से स्टार्टिंग मैं नहीं करूँगा। कोर्ट प्रोसेस करनी है तो आप लोग करिए, अगर मेरे से कोई मदद चाहिए आपको थोड़ी बहुत तो वो मैं कर दूंगा। तो इस वीडियो में यही कहना चाहता था मैं आपसे, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद जा करके जो है MCD में, SDMC में, NDMC में मालूम कर लीजिएगा, 50% पद ऐसे ही भरे जा रहे हैं इस बार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।